सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। सो कल हमने पढ़ाया था आपको औपचारिक पत्र, सभी को याद है? यस मैम। औपचारिक पत्र हमने बताया था आपको, अधिकारी को, प्रधानाध्यापक को। तो आज हम लिख के बताने वाले हैं एक उदाहरण के रूप में कि कैसे औपचारिक पत्र हम लिखेंगे। बता चुका है कि कैसे प्रारूप होता है इसका, आज हम कैसे लिखेंगे इसका एक उदाहरण देंगे। सो औपचारिक पत्र हमारे लिखे के आज 7 दिनों के अवकाश के लिए, मतलब 7 दिनों की छुट्टी के लिए हमें प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है। तब हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, तो हमारा एड्रेस जहां से हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? दिनांक। तो दिनांक आज क्या है? 3rd January मैम। दिनांक क्या है? 3 जनवरी। 3 जनवरी 2019। उसके बाद इसके एड्रेस के बाद हमें लिखना है अपने प्रिंसिपल का एड्रेस। जी प्रिंसिपल क्या, जिसे हमने आपको जैसे प्रधानाध्यापक को लिखना, तो प्रधानाध्यापक किसी अधिकारी को, तो अधिकारी को, तो अभी हम लिखेंगे प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, तो हमें लिखना है उनका, यहाँ पे हम उनका पद लिखे, हमें बताया था कि नाम नहीं लिखना है, पद लिखना है, किस पद पे है? श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय। नोटबुक में लिखे? हाँ, आप नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए, मैं ये एड्रेस देती हूँ कि आप स्टार्ट कीजिएगा लिखना। प्रधाना अध्यापक महोदय कहाँ पे है? जैसे अभी कॉलेज में पढ़ रहे तो हम यहाँ लिखेंगे बैंगलोर सिटी कॉलेज। कहाँ पे है? तो ये हेनूर में, हम लिख देंगे हेनूर और सेवन, इतना ही एड्रेस काफी है। इतना आप नोट कर ले, सबने नोट कर लिया? ओके। फिर हम आगे लिखेंगे कि इसके बाद इस एड्रेस से लिखने के बाद कंटिन्यू हमें कैसे करना है। सो कंटिन्यू करेंगे हम विषय के साथ। विषय हमारा है 7 दिनों के अवकाश के लिए, तो हम यहाँ पे विषय लिखेंगे। गिर गया
कारण मुझे चोट लग गई। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे 7 दिन आराम करने के लिए कहा गया है। ओके सो अतः मुझे 7 दिन के अवकाश दे। इसके लिखने के बाद हमें लिखना है कि आपका पद क्या है, आप कौन है। तो हम उनके छात्र है, तो आप लिखेंगे आपकी छात्रा और आपका नाम। आप सभी ने लिख लिया? ओके इसे लिख लीजिए। कल हम अगले टॉपिक पे आप एक गीतकार के रूप में आप एक पत्र लिख के लाए जिसमें आपको विवाह के लिए जाना है। ओके।